तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के पास फायदे यार, बिल्कुल फायदे होंगे। बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, क्या होंगे? ये फंस गया सी। फायदे फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें ना कुछ पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़े होते तब ना। तो दोस्तों, फिर से इस मोदी भक्त पर नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस अंत भक्त का कहना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हमारे मुसलमान भाई ने क्या इस अंध भक्त को क्या जवाब दिया, चलो इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल। पांच फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र। अरे यार, कहे नहीं फायदे नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बताएंगे। पांच फायदे, पांच राज्य हिंदू राज्य बन जाएंगे तब। पांच फायदे। अरे यार, बिल्कुल फायदे होंगे। बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, क्या होंगे? अरे बंद करो हाथ जोड़। क्या देखिए, मैं हिंदू बन गया, मेरा घंटा मिलना बजाने का। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद अयोध्या में घंटा बजाएंगे, अयोध्या में पूजा करेंगे। क्या फायदा है, रोजगार नहीं होगा, बस ये रोजगार नहीं होगा। तुम दिन भर मीडिया का फायदा, रोजगार फायदा, फायदे हमको नहीं पता है, फायदे हमको नहीं पता है। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अरे यार, बनना चाहिए, नहीं बता पाएंगे। बनाती है, बनाती है। व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़े होते तब ना। समझ रहे हो? नहीं, हम लोग गाइड करने तो यहाँ है। आप नागरिक हो ना? बिल्कुल आम नागरिक। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका पांच फायदे बता। फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें ना कुछ पता नहीं। मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। वोट किसको देंगे पता नहीं, फायदा क्या, इसलिए कुछ अंधभक्त है भैया, कुछ पक्के वाले, पक्के वाले ना, ना काम गिना पाएंगे ना नाम गिना पाएंगे। गजब बेइज्जती है। ओ, तुम जाके भीख मांगो। हम लोग बनाउती बनाउती है सरकार। चार साल, चार 400 पार जब जाएगा 24 में, देख कटोरा लेके इधर घूमेंगे। 400 में एक जीरो घटा दीजिए तो 40 रह गया ना, 40 रह गया।